नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। बुलंदशहर में पुलिस का शूटआउट ऑपरेशन जारी है। देर रात को बाइक पर सवार होकर बुलंदशहर में किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश शहनवाज की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शहनवाज के पैर में गोली लग गई, तो वहीं पुलिस ने शहनवाज और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात शहना थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में एक अपराधी शहनवाज जो गढ़ हापुर का रहने वाला है गोली लगने से घायल हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके साथ में उसका एक दूसरा साथी जो थाना काठ जनपद मुरादाबाद का है वो गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से असलहे मोटरसाइकिल आज बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि शहनवाज बहुत सातिर किस्म का एक लुटेरा है और पशु डकैती पशु लूट की घटनाएं कई इसके द्वारा की गई हैं। अन्य लूट की घटनाओं के मुकदमे भी इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ 307 में वांछित है। हमारे जनपद में गैंगस्टर और एक डकैती के मामले में वांछित चल रहा था। इसमें 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की गई थी और गिरफ्तारी के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। सर किसके लोग जी?